पांडे जी और कांग्रेस का चेहरा, प्रवक्ता, महामंत्री, जो भी कहें, एक लड़ाकू के मिश्रा जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल, कमलनाथ का राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं उतरना, सरेंडर, समर्पण या फिर सोची समझी रणनीति, तो इसकी असली वजह क्या थी? उसकी पूरी रणनीति एक सुविचारित और सोची समझी रणनीति है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं रखूंगा कि हमने समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी अनुकूलता को देखते हुए राजनीतिक निर्णय लेने होते हैं, और पार्टी आलाकमान और माननीय कमलनाथ जी की युति ने अपना निर्णय जो लिया है, मैं उसे उचित मानता हूं। आप उचित मानते हैं, लेकिन वजह क्या थी जो कांग्रेस मैदान में खड़ी हुई है, चाहे सरकार में रहते या सरकार चले जाने के बाद भी बहुत आक्रामक? क्या ये एक मौका नहीं था शक्ति परीक्षण का कि इस राज्यसभा की एक सीट के जरिए कांग्रेस ये साबित करती कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? या फिर उसे खतरा समार ये सता रहा था कि कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बात उजागर ना हो जाए, यानी बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की? मुट्ठी खुली और बंद दोनों है, वो लाखों की है, उसमें कोई भी अतिरेक नहीं है। क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने यह उचित समझा कि इस राज्यसभा चुनाव में नंबरों को देखते हुए निरर्थक कवायदों में उलझना मुनासिब नहीं है। हमारा पूरा ध्यान अभी पार्टी की मंडलम सेक्टर से लेकर स्टेट बॉडी तक मजबूती को लेकर है, और पूरा फोकस एक संसदीय और तीन विधानसभा के उपचुनावों को लेकर है। तो जब हम उस फोकस में अपनी तल्लीनता के साथ मेहनत कर रहे हैं, और जिसका जवाब मैं सोचता हूं कि राज्यसभा के नतीजों से बेहतर होगा जो हम देंगे। चलिए सुशील जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी को आपने सुशील जी सुना, मंडलम संगठन की मजबूती, ये तो चुने हुए विधायकों का चुनाव है ना, इसमें कौन सा समय, बंद कमरे की रणनीति ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती थी? यही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराई है, पिछली बार भी गोपीलाल जाटव एक नाम है, उसके पहले विवेक तनखा चुनाव जीते और हारे हैं, कई मौके आए जब हार सुनिश्चित लेकिन कांग्रेस ने मैदान नहीं छोड़ा। इस बार कमलनाथ ने मैदान क्यों छोड़ा, छोड़ा है या फिर वाकई में मिश्रा जी की बात में दम है कि वो समय बेकार नहीं करना चाहते हैं? सुशील जी। जी राकेश जी, सवाल दोहराइए। सवाल फिर दोहराता हूँ लेकिन मैं आपके पास लौटता हूँ, सवाल समय मेरा भी बेकार ना हो। गणेश जी आपने सुना, इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। पहली बार चुनाव लड़े थे वो, कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया था, उसके पीछे मंशा ये थी, विवेक तनखा उस समय जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भी करीबी थे और उनका डंपर प्रकरण का जो है केस उन्होंने लड़ा था। उन कांग्रेस को उम्मीद थी कि हो सकता है शिवराज सिंह उनका जो है अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करें, इसलिए उनको खड़ा किया था। और नतीजा जो आया वो जस्ट उल्टा आया, विवेक तनखा को जो उम्मीद थी शिवराज सिंह से, वो उम्मीद पे जो है शिवराज सिंह खड़े नहीं हुए और विवेक तनखा की हार हुई। कांग्रेस ये जानती है कि राज्यसभा चुनाव में हार जाएंगे और इसीलिए अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए, क्योंकि अगर प्रत्याशी खड़े करती कवायद में ये सुनिश्चित था कि जो है उनकी कांग्रेस की हार सुनिश्चित थी। और इस हार के बाद सत्ताधारी दल के नेता कांग्रेस के खिलाफ विश्वमन करने लगते, कांग्रेस पराजित हो गई और लोग उसका असर जो है आगामी जो उपचुनाव है उस पर पड़ता। इस उपचुनाव में मैसेज से बचने के लिए कमलनाथ ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि वो उचित निर्णय था। वो कमलनाथ एक सुलझे हुए परिपक्व नेता हैं, उनको ये लगा कि एक राज्यसभा सीट के लिए जो कि हार निश्चित है उसमें ज्यादा समय व्यतीत करने के बजाय हम उपचुनाव को फोकस करें, और उपचुनाव के लिए उन्होंने अपनी रणनीति तय की है और इसीलिए राज्यसभा के लिए प्रत्याशी उतारा नहीं। जी राकेश जी, सुशील जी क्या मानते हैं, कमलनाथ ने वाकई में रणनीति के तहत ये फैसला लिया है या कमजोरियां उजागर न हो जाएं इसलिए? राकेश जी मुझे लगता है आपने जो दूसरी बात कही है, कमजोरियां उजागर ना हो जाए इसलिए जो है कमलनाथ ने राज्यसभा में जो है उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया। देखिए बहुत सीधी सी बात है, आपका अंक गणित तो पिछले साल भी आपके साथ नहीं था, लेकिन आपने दो कैंडिडेट उतारे, फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह, नंबर वन पर आपने दिग्विजय सिंह को रखा, नंबर टू पर फूल सिंह बरैया को रखा, तो फिर इस बात का जवाब देना चाहिए कि फूल सिंह बरैया को क्यों उतारा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कांटे के मुकाबले में है कांग्रेस और बीजेपी में, तो आपको
अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, और बार बार जो आपके नेता कांग्रेस के जगह जगह ये बोलते रहते हैं कि बहुत से बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं, सिंधिया समर्थक वहां पर ट्रस्ट हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल, बात तो आप सही कह रहे हैं। जनता के बीच आप जो उपचुनाव लड़ेंगे वो तो जनता के बीच जाके लड़ेंगे, लेकिन जो विधायकों का जो चुनाव वाला है मामला राज्यसभा का है, उसमें तो आप नैतिक हार करा सकते थे बीजेपी की। यदि दो चार विधायक भी जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपके पास तो बड़ी संख्या है, तो एक नैतिक हार जो है शिवराज सिंह चौहान सरकार की, भाजपा सरकार की, आप करा सकते थे। आप अगर इसमें नहीं कूदे तो इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि उल्टा ना हो जाए, आपके दो चार विधायक जो है बीजेपी के पक्ष में ना चले जाए, आपको ये डर सता रहा है। चलिए मिश्रा जी से पूछते हैं, मिश्रा जी पॉलिटिक्स और परसेप्शन बहुत मायने रखता है, टाइमिंग तो आपने ज्यादा महत्व नहीं दिया है इस राज्यसभा चुनाव को, लेकिन परसेप्शन जो बन रहा है कि कहीं आपकी पार्टी से लोग निकल करके सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आए, ये धारणा अगर बन रही है तो क्या इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को, जो लगातार लड़ रही है? आप जैसे लड़ाकू में कह रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया पर हो, जिस फोरम पर भी हो, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये चुनाव कौन सी चीज है? हार जाते, एक आपकी एकजुटता जितती और बीजेपी के अंदर आते क्रॉस वोटिंग भी कराने में सामर्थ्य, कमलनाथ का प्रबंधन अपना है, वो एक चूक हो गई, सरकार चली गई। राकेश जी देखिएगा, मैं अपने पुराने शब्दों को फिर दोहराना चाहता हूँ कि समय काल और परिस्थितियां, चलिए तो इसी का जवाब देखकर निर्णय लिया जाता है। परिस्थितियां ही क्या है, फेवर में नहीं है कमलनाथ के, कांग्रेस के फेवर में नहीं है, फेवर में नहीं, वो एक निरर्थक कवायद होती है यदि हम शिरकत करते तो। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में जा सकते थे, जिन गद्दारों को बिकना था और जाना था वे चले गए हैं, जो विचारधाराओं को समर्पित हैं, जो मानसिक विकलांगता और व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है, तो जो विचारधाराओं को समर्पित है वे कांग्रेस में थे हैं और रहेंगे। अब हमें वो कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है कि हमारा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हालात में खुद एक डूबता हुआ जहाज है, जिसे 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता से हटाकर अपनी हैसियत दिखा दी थी, तो वो तो खुद डूबता हुआ जहाज है। एक चुनी हुई सरकार को गिरा कर खरीद फरोख्त के माध्यम से गद्दारों का सहयोग लेकर यदि कोई सत्ता बनी है तो नैतिक सरकार नहीं है। तो नहीं सर, आपने देखिए सर, देखिए क्योंकि मिश्रा जी आपने गद्दार कहा, लेकिन जो 28 सीटों पर चुनाव हुए वो परिणाम कम से कम आपके अनुकूल तो नहीं है, तो गद्दार के मुद्दे पर सवाल खड़ा होता है कि आपकी बात में कितनी दम, क्योंकि आप ही कहते हो कि अंतिम फैसला जनता करती है। उसके आगे अगर देखा जाए, क्या कई इस्तीफे आपके पास थे, कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते और अभी भी बीजेपी के चुनाव पे टिकट पे चुनाव लड़ने वाले कमलनाथ से मेलजोल बना चुके हैं और बीजेपी से उनकी नाराजगी है, ये एक मौका नहीं था कि वो फ्लोर पर आते हो खुले दिल से पता चलता कि कमलनाथ के साथ है या नहीं है कांग्रेस की तरफ? वो राकेश जी कुछ के तो इस्तीफे रखे हैं कमलनाथ जी के पास, उस मौके को कब भुनाना है वो माननीय कमलनाथ जी खुद तय करेंगे, और वो मौका आएगा। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो मौका आएगा, ये बहुत बड़ा रसो उद्घाटन कर रहा हूँ मैं, इसी संख्या गणित में इसी विधानसभा में चुनाव से पहले आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, थोड़ा सा खोलिए ना मिश्रा जी, मैं हमेशा पार्टी कहती रही कि हमारे पास राकेश जी देखिएगा समर्थन है, लेकिन जो बात आपने कही हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा इशारा तो करें, रणनीति उजागर ना करें। देखिएगा आप राजनीति के एक ख्यात चिकित्सक हैं, कलम के बड़े हस्ताक्षर हैं, और आपका अनुभव भी कोई कमजोर नहीं है। मैं दावे से आपसे कह रहा हूं कि यदि कमलनाथ जी ने यदि कोई निर्णय लिया है तो वो दूरगामी परिणामों को इंगित कर रहा है, और यदि कमलनाथ जी को खरीद फरोख्त करनी होती तो हमारी सरकार जाती ही नहीं, क्योंकि उस मौके पर हम भी बतौर कार्यकर्ता बहुत सक्रिय थे, उनके सामने कई विकल्प आए थे, इसे उन्होंने कहा मैं खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं। सर इतना तो स्पष्ट करें, इसी विधानसभा इसी संख्या गणित में, या फिर बहुत कुछ आगे की सोच रहे, क्योंकि जो विधायक अभी है सदन का सदस्य है, अगर वो आपके साथ है भले ही वो आपके मतलब खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक क्रॉस वोटिंग करवाने अगर कांग्रेस करवाती तो एक मैसेज तो जाता ना सर, पिछली बार आप लोगों ने इसी सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला राजनीतिक क्षितिज फिर चमकेगा, मैं दृढ़ता से आपको कह रहा हूँ। ठीक है बिल्कुल, और हम जब आपसे हमें
फाइव स्टार थ्री स्टार होटल में भरपेट भोजन करना है तो हम दो प्लेट पोहे के लिए अपना कोई निर्णय नहीं लेंगे कि आप हमें सिर्फ दो प्लेट पोहे खिला दें। तो ये मान के चलें कि अभी चुनाव भले दूर हो, कमलनाथ की वापसी फिर हो सकती है, फिर शपथ ले सकते हैं वो परिस्थितियां। क्या भाजपा में भगदड़ का इंतजार है क्या? कमलनाथ जी परिवर्तन का जो लड़ाई चल रही है, कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री होंगे इसी संख्या गणित में। मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे आगे देखिए होता है क्या, थोड़ा सा तो बोलिए मेहरबानी करके, कुछ संकेत को भी आप भी बहुत संकेतों में। चलिए आप मत बोलिए, एक दायरा है, प्रतिबद्धता है, संकेतों में बहुत कुछ। गणेश जी से समझ लेते हैं, कांग्रेस की राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं। यहाँ बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है। गणेश जी, मिश्रा जी की इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए, उनके इशारे को किस तरह से समझा जाए, या फिर उनके दावे पर यकीन किया जाए, या फिर सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश? मिश्रा जी की कई बातें माहौल बनाने की कोशिश है। सीएम कमलनाथ दोबारा बनेंगे, ये 2000 अगला मिशन 2023 के चुनाव परिणाम को देख के कहा गया होगा। और जहां तक बीजेपी विधायकों का है कि इसी कार्यकाल में वो कांग्रेस में आएंगे, मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि राकेश जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को डर सताएगा कि अगर हम कांग्रेस में गए, क्योंकि उनकी सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन सदस्यता समाप्त होने के बाद उनके ऊपर जो ईडी आईडी आयकर इससे जो छापों की जो दहशत बनी है, उस दहशत से कैसे उभरेंगे? उनको अगला चुनाव भी लड़ना है। इसलिए बीजेपी के विधायक कांग्रेस इस्तीफा देके कांग्रेस में आएंगे, कमलनाथ का साथ देंगे, मैं नहीं मानता इससे, वो मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता। चलिए एक प्रतिक्रिया सुशील जी से ले लें, क्योंकि मुझे जल्द मिश्रा जी के पास आगे बढ़ना पड़ेगा। सुशील जी, मिश्रा जी की बात को आपने बहुत गौर से सुना होगा, क्या उस पर भरोसा है? के मिश्रा जी की? जी हाँ, के मिश्रा जी की अगर बात पे भरोसा करें तो मुझे लगता है कि 25 से 30 विधायक भाजपा के कांग्रेस में जाएंगे। अब आप सोचिए कि क्या ये संभव है? नहीं, सवाल ये होता है, जिनको गद्दार कह रहे हैं अगर वो वापसी करें तो ऐसा कुछ भी, देखिए चमत्कार होना होता है। देखिए 230 सीटों पर चुनाव लड़ना और 28 सीटों पर चुनाव लड़ने में फर्क है। 230 सीटों पर आपको पूरी जगह मेहनत करनी पड़ती है, 28 सीटों पर आप चुनाव लड़ते तो आपके पास गद्दार खुद्दार जैसा मुद्दा भी है। परिणाम क्या आता है? कमलनाथ जी, दूसरी बात, कमलनाथ जी की तीन परीक्षाएं हो चुकी हैं। पहली परीक्षा हुई 2018 के चुनाव में, आप बहुमत तक नहीं पहुंचे। आपने अरुण यादव, अजय सिंह और के मिश्रा जी जैसे कर्मठ लोगों की बोई हुई जमीन पर आपने एक खेती की है और श्रेय आप ले गए। पूरा श्रेय नहीं, आप 114 सीटें ला पाए। दूसरी बात, दूसरी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी 28 सीटों पर। आप चाहते तो ये बिकाऊ टिकाऊ जो भी सरकार, आप जिस तरीके की सरकार का आरोप लगाते आप इसको हटा सकते थे, लेकिन जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया। तीसरा मुद्दा कि अगर आपके पास संख्या बल है और आपके संपर्क में बीजेपी के विधायक हैं तो आपको राज्यसभा चुनाव में बताना था, बल्कि आपको 2020 में भी फूल सिंह बरैया को जितवाना था। कि आप दावा करते ना, ये खोखले दावों से राजनीति नहीं चलती, जनता भ्रमित नहीं होती है, और आप अभी भी इस बात को नहीं मान रहे। मुझे लगता है कमलनाथ के जो भी रणनीतिकार हैं वो कमलनाथ जी को गलत सलाह दे रहे हैं और पार्टी को भटका रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को अगर कुछ करना है तो सीधा मोर्चा लेना होगा। कमलनाथ की टीम कौन सी टाइमिंग का इंतजार कर रही है? एक मौका लोकसभा का चुनाव भी था 29 सीटों पर, जिसमें सिर्फ छिंदवाड़ा में जीते थे, वहां भी प्रूफ कर सकते थे, वहां भी कमलनाथ से चूक हुई। मिश्रा जी, अब आपने दो वरिष्ठ पत्रकार आपके रोज के मिलने जुलने वाले हैं, कुछ सवाल उन्होंने आपके खड़े किए गए सवाल पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, अब तो आगे बढ़ेंगे आप? देखिए राकेश जी, आपके माध्यम से सुशील जी ने जो बात कही है वो उनकी निजी राय है, मगर एक और बड़े हस्ताक्षर गणेश पांडे जी ने मेरे साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने मोदी और शाह के आतंक को लेकर जो उन्हीं की पार्टी में व्याप्त है, ईडी पीडी सीडी सीबीआई जो उनको लेकर कहा है, सिर्फ आप वेट कर लीजिए 5 राज्यों के उपचुनाव का। मतलब 5 राज्यों, मतलब 5 राज्यों के उपचुनाव के बाद इनके आतंक के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही मुखर न हो जाएं, तो मैं भी एक राजनीतिक विद्यार्थी हूँ, हो सकता है मेरा कद छोटा हो, बस उस समय का इंतजार है निश्चित तौर पर। तो आप उनकी तो वापसी करेंगे नहीं, जिनको आप गद्दार कह रहे हैं? राकेश जी, अति का अंत निश्चित है, चाहे वो मैं करूँ, आप करूँ, गणेश जी